आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुस्कान अजमानी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर में कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान वो पहले आईटीएमएस नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था को सराहा और बीते दिन जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। स्वतंत्र देव सिंह की माने तो उत्तर प्रदेश ठीक से चल रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ता है। सभी अधिकांश ऑनलाइन सिस्टम के कारण एक तो समाज में भी एक वातावरण बन रहा है, एक नियम का पालन करने के उनके अंदर उनके मन में भी आ रहा है कि हर नियमों का हम सब पालन करें। दूसरा, जो मंत्री समूह आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, ये पहली बार ऐसा राज्य के अंदर हुआ है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल गठन होने के बाद तीन तीन मंत्रियों का समूह राज्य के सभी जनपदों में, वह भी एक मंडल में जाकर समीक्षा करना और 72 घंटे उस मंडल में बिताना और एक एक जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्थलीय निरीक्षण भी और योजनाओं। संबल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना को सफल बनाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है और 14 और 418 जोड़े एक दूसरे के हो गए। ये भव्य समारोह भैजोई के निजी रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। इस दौरान 34 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया। साथ ही मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जा रहा है। इसके क्रम में संभल में भी इस रिजोर्ट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। जनपद को सामूहिक विवाह के अंतर्गत 175 जोड़ों का लक्ष्य मिला, परंतु हमारे खंड विकास अधिकारियों और जो हमारे नगर पालिका के युवक हैं, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, जिससे आज हमारे यहाँ 375 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। प्रतापगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों में खुशी की लहर दिखी। साथ ही मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। वही प्रमोद तिवारी के लिए जीत की कामना को लेकर उपवास रखे हुए समर्थकों ने गुहिसारनाथ धाम पहुंचकर माथा टेका और बाबा का आभार जताया। शाहजहांपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की 125वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में संकल्प संस्था द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल पार्क में हवन पूजन किया गया, साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। 125वीं जयंती है और इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये कार्यक्रम का आयोजन है, जिसके अंतर्गत शाहजहांपुर से आज अमृत यात्रा का शुभारंभ होगा। वहाँ पर शहीद संग्रहालय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उसमें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन भी शामिल है और साथ ही साथ जो बिस्मिल जी से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं, चाहे ये बिस्मिल पार्क हो अथवा बिस्मिल जी के आवास वाली जो स्थान है, आवास है बिस्मिल जी का, जहाँ पर उनका जीवन व्यतीत हुआ, जहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, वो आर्य समाज मंदिर, इस तरह से बाकी जो भी जगह जुड़े हुए हैं उन सभी पर हम लोग आज। हरदोई में एसपी सिटी राजेश द्विवेदी ने बड़े पैमाने पर निरीक्षक और उप निरीक्षकों का फेरबदल किया। एडीजी के निरीक्षण के बाद जनपद में तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। इस दौरान एसपी ने 11 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक सहित 15 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है, जिसके बाद थाना और शाखाओं में तबादले करते हुए निरीक्षक उप निरीक्षकों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
तो आप इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर उन सभी पुलिस कर्मियों की सूची देख रहे हैं जिनका एसपी ने तबादला किया है। प्रयागराज में एक बड़ा हादसा हो गया जहां शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर चार लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही दो लोगों की गंभीर हालत भी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चारों युवक पुणे जा रहे थे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है जहां रेलवे स्टेशन के पास ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि चारों युवक पुणे जा रहे थे उसी दौरान ये हादसा हो गया जहां ट्रेन की चपेट में दो युवकों की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था कि इस दौरान दो की मौके पर ही मौत हो गई। सभी चारों युवक ट्रेन की चपेट में आए थे जहां दो की हालत इस वक्त बेहद ही नाजुक बताई जा रही है जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर संगम नगरी प्रयागराज से सामने आ रही है जहां रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, रेलवे स्टेशन के पास से एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, तो इस दौरान जिन दो युवकों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है उन सभी की स्थिति इस वक्त क्या बताई जा रही है? ये पूरा मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन का है जहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से चार व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गए जिनमें से दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत होगी जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है की ये चारों लोग दरभंगा के रहने वाले हैं जो दरभंगा एक्सप्रेस में सवार होकर पुणे जा रहे थे और शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक गई, वहीं पर ये चारों लोग ट्रेन की पटरी पर बैठ गए, दूसरे साइड से आ रही चंबल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इससे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जी पवन, मृतकों के परिजनों को क्या इस मामले की सूचना दे दी गई है? ये अभी मृतकों के परिजनों की सूचना नहीं दी गई है, हालांकि पुलिस अधिकारी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रेलवे के अधिकारी जो हैं और उनके परिजनों को सूचना देने की वहां पे जो है प्रक्रिया की जा रही है और जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी धन्यवाद पवन पटेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 125वीं जयंती में आ रहे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर एक्टिव है। उनके मिनट कार्यक्रम के अनुसार प्रशासन ने पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। बिस्मिल के घर से लेकर आर्य समाज, शहीद संग्रहालय, शहीद पार्क आदि में सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र दीपोत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है जहां बिस्मिल के घर आर्य समाज जाएंगे मुख्य सचिव, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और जहां जहां मुख्य सचिव के कार्यक्रम होने हैं वहां पर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पूरे जनपद में एक्टिव नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह इस वक्त पूरे बहराइच को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 125वीं जयंती के अवसर पर सजाया गया है। वहीं इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव शाहजहांपुर भी पहुंच रहे हैं। बहराइच के थाना नानपारा अंतर्गत बाईपारा में ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों द्वारा होलिका दहन किया जाता था जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम को लिखित शिकायती पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अब इस मामले में देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। हमने एसडीएम साहब पास आए हैं, एप्लीकेशन दें। होलिका दहन में कुछ लोग कब्जा कर रखे हैं, राम निवास और नंगा, और कई साल से वो मामला चल रहा है और कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि वो सफाई हो जाए, हमारा होलिका दहन शुद्ध जगह पे हो। हाँ, 1 बीघा 18 बिस्वा ग्राम। अच्छा, क्यों ग्राम समाज की राम निवास और नंगा मकान बना रखे हैं, 3 साल लिए हैं,
कई बार हमें दिया गया है जी, कोई कार्रवाई नहीं। हम आए हैं होलिका दहन, जो है झगड़ा पड़ा है, वो घर गिरता नहीं। दिल में आया है, कागज एप्लीकेशन दिया है, मामला का वो होली हो नहीं पाती है। होलिका दहन में घर बना हुआ है, वो राम जानकी के लौंडा बनाई से राम निवास नंगा राम निवास बुलंदशहर से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक युवक ट्यूबवेल पर रोज की तरह सोने गया था, उसी वक्त आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वह पुलिस ने इस मामले की तहरीर पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खबर इस वक्त बहराइच से निकल के सामने आ रही है, जहां अज्ञात लोगों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी है। वही इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही मृतक के परिजनों को हुई, वो तुरंत मौके पर पहुंचा और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने पहले तो मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों की तहरीर के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।